महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के गोमती कुंड पर स्थित कुंडेश्वर महादेव 84 महादेवों में 40वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार मंदरांचल में विराजमान पार्वती ने श्री शंकर जी से कहा कि मेरी इच्छा वीरभद्र को देखने की है, अब वह कहाँ है? शिव जी ने कहा, देवी वह महाकाल वन में जल में खड़ा होकर कठिन तप कर रहा है। तब उसे देखने की इच्छा से वे नंदी पर सवार होकर महाकाल वन की ओर बढ़े। नंदी की तेज गति से पार्वती जी घबरा गई, तब वे मार्ग में एक जगह विश्राम करने रुक गई। शिवजी ने कहा, मैं आगे बढ़ने के लिए सरल मार्ग ढूंढकर आता हूँ, इस बीच तुम यहाँ विश्राम करो, कुंड नामक गण तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहेगा। शिवजी उस पर्वत की शोभा देखकर वहीं घूमने फिरने लगे। कई संवत्सर बीत गए, तब पार्वती को चिंता हुई। उसने कुंड से कहा कि शिवजी को ढूंढ कर लाओ। कुंड ने कहा, माता घबराओ मत, वे आते ही होंगे। इस पर पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर कुंड को मनुष्य बनने का श्राप दे दिया। कुंड के अनुनय विनय करने पर पार्वती जी ने उनसे कहा, महाकालवन में जाओ, वहां काल भैरव के सामने स्थित लिंग की पूजा करो तो तुम्हें पुनः गण का स्थान प्राप्त होगा। तब शिवजी भी उपस्थित हो गए। उन्हें कुंड के श्राप की बात मालूम हुई, तब वे कुंड के पास गए और उसे इस लिंग की उपासना करते देखा। तब शिवजी ने उसे अक्षय पद पाने का आशीर्वाद दिया। जो मनुष्य कुंडेश्वर का दर्शन पूजन करते हैं उन्हें अनेक यज्ञ करने का फल मिलता है। पंडित शैलेंद्र व्यास। पंडित जी, इस महा जो अपना ज्योतिर्लिंग है महादेव, कौन से नंबर के, उनका क्या महत्व है? इस महाकाल वन में 84 जगह पर भगवान महाकाल स्वयं शिव किसी काल में किसी कारण स्वयं उपस्थित हुए, प्रकट हुए। उनमें से ये 40वां महादेव है। कुंडेश्वर महादेव सांदीपनी आश्रम भगवान कृष्ण का गुरुकुल है। यहाँ पर भगवान कृष्ण जब पढ़ने आए थे, भगवान कृष्ण की विद्या लीला का आनंद लेने के लिए कुंड का जल और बिल्व पत्र लेकर भी भगवान महाकाल नंदीगण पर बैठकर दौड़ते चले आए थे। यहाँ कृष्ण का और शंकर का मिलन हुआ, हरिहर मिलन। सभी देवता खड़े थे, गुरु और गोविंद भी खड़े थे, भोलेनाथ भी खड़े थे, इसलिए यहाँ नंदीगण खड़े हुए हैं। वो शिला है जिस पर बैठकर कृष्ण धारा प्रवाह स्वाध्याय करते हुए शिव का अभिषेक किए, गुरु माता को स्वाध्याय करते हुए सुनाए, भिक्षा ला कर दिए, गुरु दक्षिणा में पुत्र ला कर दिया, कुबेर से खजाना लेकर गए, द्वारका नगरी का निर्माण किया। यहाँ शिखर का आकार श्री यंत्र के रूप में वास्तु है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।